Let's improve English. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हाँ हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम और ट्रबल में फ़र्क क्या है। दोनों एक जैसे ही लगते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को हम सेंटेंसेस में सही से यूज़ कैसे कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रबल को सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। पहली बात तो ये कि ये प्रॉब्लम काउंटेबल होती है। हम कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स, तीन प्रॉब्लम्स। पर दोस्तों ये ट्रबल अनकाउंटेबल होता है, ये नहीं कह सकते हम एक ट्रबल, दो ट्रबल, तीन ट्रबल्स। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम का कुछ ऐसा सा मतलब होता है कि प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होता है। और फ्रेंड्स, ट्रबल का कुछ ऐसा मतलब होता है कि कोई नेगेटिव फीलिंग, जिससे ना आपको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके और मैं आपको बताऊंगा ट्रबल को सेंटेंसेस में यूज करके। आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में मैंने अ प्रॉब्लम कहा है क्योंकि प्रॉब्लम काउंटेबल होती है। और फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को हम ट्रबल के साथ भी बना सकते हैं। आई एम हैविंग ट्रबल विद द कंप्यूटर, और इसमें मैंने ट्रबल कहा है ना कि अ ट्रबल। मैं कह सकता हूँ कि मुझे दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आई एम हैविंग टू प्रॉब्लम्स। पर तू ये नहीं बोल सकता कि आई एम हैविंग टू ट्रबल्स। दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट, ये मैथ का सवाल बहुत मुश्किल है। ये अलजेब्रा तो बता क्या है? अलजेब्रा तो मैथ का ही कोई टॉपिक होता है। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है यार। अच्छा तो देखिए दोस्तों, अगला एग्जांपल। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है तो अब मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। आई हैवन्ट कम्प्लीटेड माई होमवर्क, नाउ आई एम इन बिग ट्रबल। मुझे पैसे जमा करने में दिक्कत हो रही है, आई एम हैविंग ट्रबल सेविंग द मनी। तो फ्रेंड्स, ये था कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम और ट्रबल का। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोज आती रहें जिन्हें आप फ्री में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।